भाजपा विधायक नीरा यादव जी हमारे साथ हैं, कोडरमा से विधायक हैं, और आपको बता दें कि रात भर ये भी इस मामले में यहाँ पर डटी रहीं, अपनी बातों को करती रहीं और अपनी बात जो है सरकार से जवाब मांगती रहीं, रात भर प्रदर्शन करते रहीं। क्या हुआ मामला पूरा, आखिर क्यों इतनी गर्म हो? देखिए, हम लोग रात भर डटे रहे इस उम्मीद में कि शायद जो सवाल हम कर रहे हैं उसका जवाब ये सरकार दे देगी, परंतु जिस प्रकार बौखलाहट से इन्होंने विपक्ष के सभी माननीय विधायकों को निलंबित करने का काम किया है, ये इनकी बौखलाहट साफ दिखती है। लेकिन इससे हम डरने वाले नहीं, जवाब तो हम लेके ही जाएंगे। अध्यक्ष जी अपना पावर दिखाए, हम अपना पावर दिखाएंगे। हम जनता के द्वारा चुन करके आए हैं, जनता के शिकायत नहीं होने देंगे, जनता के कार्य में अवरुद्ध नहीं होने देंगे। जनता के काम के लिए हमें रात दिन बैठना पड़े, कल तो बैठे, इतनी गर्मी में भी हम लोग लगातार एसी बंद कर दिया गया, लाइट बंद कर दिया गया, फिर भी डटे रहे, फिर डटे रहेंगे। आप लोग भी देख रहे होंगे, जब हमारे माननीय रघुवर दास जी के नेतृत्व वाली सरकार थी, इन्होंने जूता फेंकने का काम किया, स्प्रे करने का काम किया, मिर्ची पाउडर डाला, कुर्सियां तोड़ी, तब तो स्पीकर साहब ने निलंबित नहीं किया था। आज हम लोग मर्यादित तरीके से जब बैठे हुए थे धरना में, तब ये निलंबित कर देते हैं। इससे इनकी बौखलाहट साफ झलकती है और ये जनता माफ कभी नहीं करेगी, और हम भी डटे हुए हैं और डटे हुए रहे। इन्होंने कहा कि हम अपने बातों पर अड़िंग रहेंगे, जनता जवाब देगी, हम जनता से चुने हुए प्रतिनिधि हैं, न कि विपक्षियों के चुने हुए हैं। और इन्होंने कहा कि हम अपनी बात को कल भी मनवाने के लिए तैयार थे, आज भी हम अड़े हैं और हम अपनी बातों को मनवा कर ही सरकार से दम लेंगे।